नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है लर्निंग हाउ टू लर्न बाय डॉक्टर बाबरा ओखले एंड टेरेंस सिजोवस्की, यानी सीखना सीखे। इस किताब में हम कुछ भी सीखने का सही तरीका सीखेंगे और ये सीखना कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी उम्र में। हम आसानी से कोई भी नई बात या नया स्किल कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में ये किताब हमें बताती है। ये किताब स्कूल गोइंग बच्चों से लेकर किसी भी उम्र के बड़ों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किताब हमें सीखना कैसे आसान और मजेदार हो सकता है, इसके बारे में बताती है। जब हम कोई भी नई बात सीखते हैं तो कई बार हम दो मोड यानी दो तरीकों से सीखते हैं। एक है फोकस्ड मोड, मतलब हमारा पूरा ध्यान पूरी तरह 100% सीखने में ही लगा देते हैं, और दूसरा है डिफ्यूज्ड मोड, यानी सीखते वक्त हम अपने मन को थोड़ा सा इधर उधर भटकने की इजाजत देते हैं। दोनों ही मोड सीखने के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम डिफ्यूज्ड मोड यानी थोड़ा मन को भटकने देते हैं तो वो उसके बाद ज्यादा अच्छे से और तुरंत फोकस्ड मोड में चला जाता है, जिससे हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हमारे सीखने के दौरान उस प्रोसेस में हमें ब्रेक लेना, मेडिटेशन करना, मन को भटकने देना और खुद को दोनों मोड में यानी फोकस्ड मोड और डिफ्यूज्ड मोड में काफी टाइम देना बहुत जरूरी है। इसे करने का एक आसान तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक में सपोज फॉर एग्जांपल हम ये सोच लेते कि हम कोई बात सीख रहे हैं, उसके लिए अगर हम आधा घंटा दे रहे तो हम पूरे 25 मिनट फोकस्ड मोड में रहेंगे कि उस बात पर पूरा ध्यान देकर उसे पढ़ना करना जो भी कर रहे हैं, और फिर 5 मिनट का कंपलसरी ब्रेक लेंगे। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। या फिर अपने सीखने की बात या काम के अनुसार हम यह टाइमिंग भी बदल सकते हैं, 20 मिनट, 10 मिनट या जो भी आप ठीक समझे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें फोकस्ड मोड में कुछ देर बाद ब्रेक लेना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा देर तक अब अगर हम फोकस्ड मोड में रहते हैं तो हमारे ब्रेन में एक स्ट्रेस यानी तनाव पैदा होने लगता है, और उसे टालने के लिए हमें फोकस्ड मोड और डिफ्यूज्ड मोड दोनों को इस्तेमाल करना, दोनों को यूज करना बहुत जरूरी है कुछ भी सीखते वक्त। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात वो बताते हैं कि चंकिंग, मतलब हम जो भी सीख रहे हैं या काम कर रहे हैं उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे, छोटे छोटे भागों में बांट दे। अगर इससे हम हर कंसेप्ट को, हर संकल्पना को अच्छे से समझ सकते हैं, और इसमें एक एक कंसेप्ट को समझकर हम पूरे कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब जैसे एक अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर हम एक पूरा पिक्चर बनाते हैं पजल सॉल्व करते वक्त, जो हम खेलते हैं पजल, छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना और एक पूरा पिक्चर बनाना, या तो जानवर का या तो किसी चीज का। बिल्कुल उसी तरह हमें इस पूरे पजल को यानी हमारे काम या सीखने वाली बात को छोटे छोटे कंसेप्ट यानी टुकड़ों में बांट देना है, ताकि हम हर टुकड़े पर काम करके पूरे पिक्चर के बारे में, पूरे काम के बारे में, पूरे सीखने के टॉपिक के बारे में अच्छे से जान सके। इसके लिए डॉक्टर बारबरा ओकले एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती है। फर्स्ट स्टेप है कि सर्वे एंड प्राइमिंग, मतलब जो भी बात सीखनी है उसका सर्वेक्षण करना और अंदाज लगाना। मतलब अगर हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो उसका स्कैनिंग यानी अवलोकन करना। अगर कोई कोर्स द्वारा सीख रहे हैं तो उसका सिलेबस पूरा जान लेना, जिसमें हमें उसके बारे में एक जनरल आइडिया आ जाता है। सेकंड स्टेप वो बताती है कि ऑब्जर्व एन एग्जाम्पल, मतलब पहले इसका कोई उदाहरण देखे और फिर खुद अमल करना शुरू करे, और एक बार करने के बाद उसे बार बार अलग अलग संदर्भ को लेकर यानी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में करते रहना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर जब मैं लुईस हे का यू कैन हील योर लाइफ ये बुक पढ़ रही थी तो पहले मैंने उसका पूरा इंडेक्स पढ़ा, उसके बाद एक एक चैप्टर को पढ़कर एक्चुअली अप्लाई करना शुरू किया अपनी लाइफ में। जब मुझे खुद को उसमें से रिजल्ट्स आने लगे तो मैंने अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया, उनके भी अच्छे रिजल्ट जब आए तो मैंने इस टेक्निक को अपने वर्कशॉप में और काउंसलिंग में भी यूज करना शुरू कर दिया।
जिसमें मैंने कुछ अपने इनसाइट्स भी शामिल किए और उस टेक्निक को थोड़ा बहुत चेंज भी किया, जो हर एक पर्सन टू पर्सन अलग अलग कुछ करना जरूरी था उसके मुताबिक। और आज मैं उनमें से किसी भी टेक्निक के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ अच्छे से बता सकती हूँ। फिर भी मैं उन्हें आज भी अलग अलग तरीके से उपयोग करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, क्योंकि अगली बात जो डॉक्टर ओकले बताती है कि आप इस बात में जो भी सीखा है या यूज किया है या सीख रहे हैं, कितनी भी महारत यानी एक्सपर्टी हासिल क्यों न करे, फिर भी आपको अपने उस सीख को लेकर प्रयोग शुरू रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ टाइम बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने इसे पूरी तरह सीख लिया है। जैसे कि किसी बात के लिए हम जब इसे यूज करते हैं और रिजल्ट पाते हैं तो वो सिर्फ एक तरीका है, कई ऐसे और अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से हमने इसे अभी यूज नहीं किया है। तो हो सकता है कि हम इसे अलग अलग तरीके से यूज करने का मौका ही नहीं हमें मिला होगा। इसके लिए हमें छोटे छोटे नोट्स बनाना काफी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें से सारे इम्पोर्टेंट वाक्य अगर हम हाईलाइट करते जाते हैं तो एंड में आप पाते हैं कि उसकी एक छोटी सी समरी या इम्पोर्टेंट नोट तैयार हो गई है, जिसे आप बार बार रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपको वो पूरा बुक का जो थीम है, जो टॉपिक है, वो याद रहे। डॉक्टर ओकले का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिकॉल करना, यानी हम जिस बात को सीखना चाहते हैं उसे बार बार रिकॉल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर बारबरा ओकले, डॉक्टर जेफ कार्पिक का जो एक रिसर्च है, वो कहता है कि हर वक्त सीखना शुरू करते वक्त, मतलब जो भी हम सीख रहे हैं तो वो हम एकदम से तो पूरा नहीं सीखते, जितना जितना हर वक्त सीख रहे हैं तो उसे शुरू करते वक्त जो भी हमने अब तक इससे पहले सीखा है उसे रिकॉल करना या उसको याद करना, उसको समराइज करना, एक बार उसे शॉर्ट में दोहराना बहुत जरूरी होता है। इसका कारण वो ये बताते हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो किसी भी बात को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी से ज्यादा वक्त लगता है। और यही कारण है कि अगर हम बार बार सीखी हुई बातों को अगर दोहराते नहीं है, रिकॉल नहीं करते हैं, तो हम पिछला काफी कुछ भूल जाते हैं। और इसे अलग अलग वक्त पर रिकॉल करने से यानी दोहराने से हम उसे अलग अलग कंटेक्स्ट में यानी संदर्भ में भी जोड़कर अच्छे से याद रख सकते हैं। इसलिए जब भी आप इन वीडियोस को सुनते हैं तो उसके बाद इसे बंद करके नोट्स लिखने की या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिए। आपने क्या सुना, आपको क्या समझ में आया और आपने कितना जाना, इससे आपकी मेमोरी पावर अपने आप बढ़ने तो लगेगी ही और आप इस तरह सीखी हुई बातों को कभी भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वो बताती है कि बाइट साइज टेस्टिंग, मतलब खुद ने जो भी सीखा है हमने उसकी टेस्ट लेना खुद ही खुद। हमारे एक्सपर्ट होने के ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड करने के लिए हमें कोई भी नई बात सीखना शुरू करने से पहले जो भी हमने पुराना सीखा है उसके बारे में उसकी एक खुद ही टेस्ट लेना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि हम इसमें पास होते हैं या फेल, हमें कितने मार्क्स मिलते हैं या हम कुछ याद कर पाते हैं कि नहीं। अगर हम यह टेस्ट में टेस्ट को लेते वक्त खुद की कुछ गलतियां भी करते हैं तो भी उन्हें करेक्ट करने का हमें मौका मिलता है, उन्हें ठीक से समझने का मौका मिलता है और ये बहुत जरूरी स्टेप है। हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं और हमारी सीखी हुई बातों को हम स्ट्रॉन्ग यानी पक्का बना सकते हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर बारबरा ओकले बताती है कि हमें ओवर लर्निंग नहीं करना चाहिए, मतलब एक ही बात को सीखते वक्त हमें उस पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। अगर हम वो बात समझने या सीखने में हमें देर लग रही है तो उसे अलग अलग टाइम पर छोटे छोटे हिस्सों में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उसी को काफी देर तक पकड़ कर बैठ जाते हैं यानी बहुत ध्यान देते हैं उस पर और बहुत देर लग रही है फिर भी हम नहीं समझ पा रहे तो हमारा फोकस धीरे धीरे कम होने लगता है, उसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है और हमारी उस टॉपिक की दिलचस्पी कम होने लगती है। तो अगर कोई बात इस वक्त समझने में कठिन लग रही है या नहीं समझ में आ रही है तो हमें इसके लिए एक ब्रेक लेकर फिर से सीखना शुरू करना बहुत जरूरी है। जैसे कि किसी भी नई बात को सीखने के लिए हमें 30 मिनट से लेकर 1 घंटे का वक्त देना जरूरी है, जिससे हम उस पर अच्छे से ध्यान देकर
सीख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंटरलर्निंग, मतलब एक बार हमें अपने टॉपिक के बारे में बेसिक बातें समझ में आ गई हो तो हमें इंटरलर्निंग का उपयोग करना जरूरी है। हमारे सीख को मजबूत करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बार बार जब पिछली बातों का जिक्र हो या रेफरेंस हो तो हमें उन्हें भी याद करना या गो थ्रू करना जरूरी हो जाता है, जिससे हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज उस टॉपिक का पक्का हो जाता है। इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें इस सीख को यानी नॉलेज को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो अलग अलग प्रोजेक्ट को एट ए टाइम सीख रहे हैं, दो नई बातों को सीख रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना जरूरी है कि दोनों को एक दूसरे के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वो बताती है कि प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट, यानी अगर मैं कुछ सीख रही हूँ तो जो फाइनल उसका रिजल्ट है कि पूरा जहाँ मैं कंप्लीट कर पाऊंगी वो मेरा प्रोडक्ट है, तो उसके बजाय मुझे ये नहीं कहना है कि मुझे ये सीखना ही है, मुझे ये बात सीखनी है, ऐसा कहने के बजाय मुझे आज एक घंटा इस बात पर बिताना है, ये कहना ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस या तनाव नहीं पैदा होता। क्योंकि जब हम कहते हैं कि आज मुझे इसे कंप्लीट करना ही है, तो अपने आप हमारा दिमाग स्ट्रेस हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है, और फिर तनाव के साथ हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए हमें सिर्फ यही कहना है कि मुझे आज इसके लिए एक घंटा देना है, क्योंकि इस तरह का तनाव फिर हमें डिफ्यूज्ड कर देता है, यानी हम ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं जो हम सीखना चाहते हैं उसमें। और जब हम ये कहते हैं कि मुझे आज एक घंटा इस बात को सीखने में, प्रोसेस में बिताना है, तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि आना ही चाहिए या सीखना ही पड़ेगा, ऐसा टेंशन नहीं है, तो हम आसानी से बातों को समझ और सीख पाते हैं। आगे वो कहती है कि मेटाफोर और एनालॉजीज, यानी रूपक और उपमा का हमेशा उपयोग करके, एक अच्छा स्टडी टेक्निक इसे कहा जाता है, इसका उपयोग करके हम अच्छे से जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। मतलब किसी भी बात को, पॉइंट को याद रखने के लिए हमें उसे अलग तरीके का उदाहरण देकर या उन बातों से जोड़कर याद रखना आसान होता है जो हम अच्छे से याद रख सकते हैं, या जो बातें हम डेली यूज में यूज करते हैं। जैसे कि हम जब कोई सीखी हुई बात औरों को बताते वक्त अलग अलग तरीके के उदाहरण जो देते हैं कि उन्हें समझ में आ सके, और हम समझाने की उन्हें कोशिश करते हैं, उसी तरह ये रूपक और उपमा का उपयोग हमें करना है। मतलब हम जो भी सीखते हैं उसे औरों को समझाने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वही बातें औरों को समझा पाते हैं जो हमने खुद ने समझी है, अच्छे से सीखी है। अगर हम खुद नहीं समझ पाते हैं तो औरों को बताना या औरों को समझाना हमारे लिए आसान नहीं होता। ऐसा करते वक्त हम उन बातों के लिए अलग अलग उदाहरण, रूपक या उपमाओं को ढूंढते हैं, उनको यूज करते हैं, जिससे हमारी सीख और पक्की हो जाती है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम किसे सिखा रहे हैं, जो भी हमारी बातें सुनने को तैयार है हमें उन्हें हमेशा, जो भी हम सीख रहे हैं उसके बारे में उन्हें कुछ ना कुछ बताना चाहिए, जो हमने सीखा है उसके बारे में उनके साथ बातें करनी चाहिए, उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारी सीख पक्की हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात वो कहती है कि अगर हम अपना स्टडी ग्रुप या टीम बनाते हैं जो बातें हम सीख रहे हैं उसके लिए, या जो सब लोग इस बात में इंटरेस्टेड है उन सबका, तो हमारे लिए और आसान हो जाता है सीखना। इससे हम ग्रुप में या टीम में जब भी जो भी सीखा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम और नए पहलुओं को भी, नए एस्पेक्ट्स को भी जानने के साथ साथ अपने आप हमारे ज्ञान को रिवाइज भी करते रहते हैं। इसके लिए सही और प्रॉपर ग्रुप या टीम होना एक महत्वपूर्ण बात है। अगर हम जॉब कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं तो ऐसे ग्रुप हमें आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं, जैसे कि हमें स्पिरिचुअलिटी या माइंड टेक्निक्स के बारे में सीखना है, तो हमें ऑनलाइन भी लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये बुक्स के समरी का वीडियो सीरीज शुरू किया था तो मेरे पास अपने पढ़े हुए 100 के करीब बुक्स थे, लेकिन आप व्यूअर्स ने मुझे कई ऐसे नए बुक्स बताए जो मैंने कभी पढ़े नहीं थे, लेकिन अब जब आपकी तरफ से सजेशन आने के बाद मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया
तो मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो गए। हमें जो टॉपिक सीखना है उसे समझने में ये ग्रुप हमारी मदद करते हैं। जिस स्पिरिचुअलिटी माइंड टेक्निक्स के बारे में सीखने वाले हम सभी इस चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गए हैं और हमारी मन के बारे में, हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो भी हम सीख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उसे और स्प्रेड करने में, उसे बढ़ाने में हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो जो भी हम सीखते हैं उसे हमेशा औरों के साथ शेयर करने से हम उस ज्ञान को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो ये थी डॉक्टर बारबरा ओकले और टेरेंस सेजोवस्की की बताई गई इम्पोर्टेंट टिप्स, जो हमारे सीखने की यानी लर्निंग की प्रोसेस को एक सही डायरेक्शन देकर उसे और पावरफुल बना देती है और उसे मजेदार तरीके से हमें सीखना सिखाती है। तो चलिए दोस्तों, आज से ही शुरू कर देते हैं इन सारे टिप्स के तरीके से, इन सारे टिप्स को अपना कर अपने किसी भी नई बात को सीखना, ताकि हम और हमारे सीखने को मजेदार और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना सके। धन्यवाद।